सो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है कि उसके कुछ स्टेप्स है। अगर वो स्टेप्स आपको पता है ना, तो आप उसकी मदद से पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो, ये एक पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन है। मोर ओवर हमें इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन। सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। हम हर कोई पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, हम कुछ सिलेक्टेड पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशंस के सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। बट निकाल किसके जाए, निकाला किसका जाए, तो बेसिकली जिस जो इक्वेशन इंटीग्रेबल होते हैं उसी के सोल्यूशंस निकलते हैं। अब ये जो पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये हमें चेक करना है कि इंटीग्रेबल है या नहीं है। अगर ये इंटीग्रेबल होता है तो इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, अगर ये इंटीग्रेबल नहीं है तो इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। तो चेक करते हैं पहले ये इंटीग्रेबल है या नहीं। और मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो में मैंने बता रखा था कि हम कैसे चेक करें कि कोई इक्वेशन इंटीग्रेबल है या नहीं है, और उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस पैटर्न में रहता है, उसे चेक करना है वो एक इंटीग्रेबल है या नहीं। मतलब क्या, हमें निकालना पड़ेगा एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये दिखाना पड़ेगा। अगर ये इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या, ये गिवन पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल है। मोर ओवर इस पर मैंने वीडियो बना रखा है और ये इंटीग्रेबल है, और मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि इसका एक्स वेक्टर डॉट कर्ल ऑफ एक्स वेक्टर इक्वल टू जीरो आता है। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अगर ये इसका इंटीग्रेबल है, ये इंटीग्रेबल है, तो इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और मैंने इसे स्टेप्स बना रखे, आपने देखे थे। तो पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको कोई भी वेरिएबल जो है, जैसे कि एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल और जेड वेरिएबल, इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल को आपको लेना होगा कॉन्स्टेंट। ये स्टेप वन कहता है। तो मेरी चॉइस ये है, और मोस्टली पता है गाइस क्या हमें कॉन्स्टेंट लेना चाहिए, जेड कॉन्स्टेंट लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जेड से सब काम आसान हो जाता है और हमेशा उसी से आंसर आता है। तो हमें क्या लेना है, जेड को कॉन्स्टेंट लेना है। तो उसको हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे लेट जेड बी ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, जेड बी ए कॉन्स्टेंट। अगर आपने जेड को कॉन्स्टेंट लिया, इसका मतलब क्या, दिस इंप्लाइज दैट डी जेड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसे इक्वेशन वन बोल देते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर पैफियन डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेयर पी इज वाई, क्यू इज एक्स एंड आर इज टू जेड। ठीक है, तो जेड कॉन्स्टेंट ले लिया है तो उसका मतलब क्या, डी जेड हो जाएगा जीरो। तो इक्वेशन वन कैसे बन जाएगा, इक्वेशन वन बिकम्स y dx एक्स प्लस एक्स डी वाई, जहाँ डी जेड है वो जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप वन तो कंप्लीट हो गया, स्टेप टू बोलते हैं। स्टेप टू क्या बोल रहा है, हमने कॉन्स्टेंट क्या लिया, z कॉन्स्टेंट लिया, तो z की तरफ हम जाएंगे। z इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू जीरो, इस पैटर्न में हमारा इक्वेशन बन जाएगा। मतलब डी जेड जो टर्म है वो जीरो हो गया, जी हाँ जीरो हो गया, और जो कि इस पैटर्न में बन गया, जो पी डी एक्स वेयर पी इज वाई देख सकते हो, प्लस क्यू डी वाई क्यू इज एक्स, जो कि इस पैटर्न में बन गया है। तो स्टेप टू क्या बोल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, और जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हमें कहना है यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू सी वन। ठीक है, ये बोलता है। तो निकाल देते हैं इसका सोल्यूशन। अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये कुछ इस पैटर्न में, अगर आप एक्स वाई का डेरिवेटिव लेते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहले एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा डी वाई, एक्स टर्म बाहर ले लेंगे, प्लस वाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। इसका मतलब क्या, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना दोनों तरफ, तो इसका इंटीग्रेशन लेने से आपको मिल जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, इसको सोल्यूशन निकालना है। इसका सोल्यूशन निकालना है मतलब क्या, एक तरफ से इंटीग्रेट करना है। इसका सोल्यूशन जब हम निकालेंगे इंटीग्रेट करके, तो हमें मिल जाएगा एक्स इंटू वाई, क्योंकि उसी इंटीग्रेशन मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव जो है वो एक्स वाई का डेरिवेटिव, तो इसका जब इंटीग्रेशन लेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई, विच इज इक्वल्स टू सी वन, वेयर सी वन इज आर्बिटरी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब एक्स वाई इक्वल टू सी वन, और मैंने कहा है, और स्टेप टू हमें क्या बोलता है, इसको जो भी फंक्शन आया इसको हमें कहना है यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो भी फंक्शन आया हम इसे कहेंगे, जो कि एक्स वाई आया, इसे हम कहेंगे यू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन। अब देखो तो स्टेप टू हमारा ये है, वो बोल रहा है यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी वन। तो यू ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, यू ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री क्या बोल रहा है, म्यू और के फाइंड करना है। म्यू फाइंड करना है तो उसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है, डेबा यू बाय डेबा, सॉरी हमने कौन सा वेरिएबल कॉन्स्टेंट लिया, वाई वेरिएबल कॉन्स्टेंट लिया है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें निकालना पड़ेगा डेबा यू बाय डेबा एक्स एंड डेबा यू बाय डेबा जेड।
ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। हमने कांस्टेंट क्या लिया है, जेड कांस्टेंट लिया है। जेड कांस्टेंट लिया ना, तो उसके बाद वाला वेरिएबल कौन आएगा, ऐसा कुछ पैटर्न चलता है, एक्स वाई जेड। अगर आपने एक्स कांस्टेंट लिया तो उसके बाद वाला वाई को कंसिडर करना है, वाई को कांस्टेंट लिया तो जेड को कंसिडर करना है, जेड को कांस्टेंट लिया तो हमें एक्स को देखना है, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। तो जेड को कंसिडर किया कांस्टेंट, तो हमें निकालना पड़ेगा डबा यू बाय डबा उसके बाद वाला वेरिएबल जो कि है डबा एक्स एंड डबा यू बाय डबा इट्सेल्फ जो कि है जेड। ये दो वे में रेशियोज सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशंस निकाल सॉरी ये दो हमें डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। सो डबा यू बाय डबा एक्स कितना हो जाएगा, मतलब क्या इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, तो हमें वो मिल जाएगा डबा यू बाय डबा एक्स मिल जाएगा हमें विच इज वाई, ठीक है, और डबा यू बाय डबा जेड कितना मिल जाएगा, वो हमें मिल जाएगा जीरो, ठीक है, ये दो टर्म्स हमें मिल गए। अब बढ़ते हैं स्टेप थ्री की तरफ। स्टेप थ्री क्या बोलता है, म्यू एंड के फाइंड करना है, बट म्यू का चॉइस क्या है, जेड कॉन्स्टेंट लिया है तो म्यू की चॉइस जो होती है वो होती है वन अपॉन पी डबा यू बाई डबा एक्स। सो हमें म्यू डिफाइन करना है, सो म्यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन पी डबा यू बाई डबा एक्स, डबा यू बाई डबा एक्स विच इज सेम एज वन अपॉन पी। पी की वैल्यू कितनी है गाइस, आप देख के बताओ मुझे, पी की वैल्यू है वाई इन टू डबा यू बाई डबा एक्स, डबा यू बाई डबा एक्स की वैल्यू कितनी है वाई, डबा यू बाई डबा एक्स, वाई वाई गेट कैंसल, वी विल गेट वन। सो यहाँ से हमें म्यू की चॉइस जो मिल गई, म्यू मिल गया सॉरी वन, ठीक है, म्यू मिल गया हमें वन। अब हमें क्या फाइंड करना है, म्यू तो आ गया, अब फाइंड करेंगे हम के। सो के इज इक्वल्स टू के क्या है, ये म्यू इंटू आर माइनस डबा यू बाई डबा जेड, ठीक है, म्यू म्यू हमने अभी निकाला, म्यू की चॉइस आई वन इंटू आर, आर कितना है, आर कितना है, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो आर है 2z, तो r की वैल्यू है 2z, तो यहाँ लिख देंगे हम 2z माइनस डबा यू बाई डबा जेड, डबा यू बाई डबा जेड कितना है 0, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2z, दैट इज 2z, k की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन दिया जाता है बाय स्टेप 4, सोल्यूशन कैसा है, डबा यू बाय डबा जो टर्म कॉन्स्टेंट लिया, कौन सा कॉन्स्टेंट लिया, जेड कॉन्स्टेंट लिया, इसलिए जेड प्लस के इक्वल टू जीरो विच इज सेम एज डबा यू बाई डबा जेड। के की वैल्यू कितनी आई, 2z आई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डबा यू बाई डबा जेड प्लस 2z इक्वल टू जीरो। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो स्टेप 4 क्या बोलता है, आपको ये जो इंटीग्रेशन है इसमें पुट कर देना है और उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है वेयर डबा यू बाई डबा जेड प्लस के, अब हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है जो कि दिख रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो क्या है हमारे पास, डबा यू बाई डबा जेड प्लस 2 times z इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे डबा यू विच इज इक्वल्स टू माइनस 2 times z dz, दोनों तरफ कर लेते हैं इंटीग्रेट, हमें मिल जाएगा ये इंटीग्रेट करके मिल जाएगा u माइनस 2z² / 2 प्लस c, वेर c इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। सो u इज इक्वल्स टू माइनस 2 गेट कैंसल, z² प्लस c विच इज सेम एज u प्लस z² इज इक्वल्स टू c। बट u क्या है, हमने u की वैल्यू निकाल रखी है, अगर आप u मतलब क्या, u ऑफ एक्स वाई जेड, बट u इज एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका x इंटू वाई प्लस z² इक्वल टू c, तो ये आ गया इसका फाइनल सोल्यूशन। तो ये है सोल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी फेफेन डिफरेंशियल इक्वेशन हो और इस स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो डेफिनेटली आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है उसका सोल्यूशन, और ये 5 marks के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से हो तो डेफिनेटली ये तो पक्का आता है, ठीक है, आप लास्ट के 3 to 5 years के पेपर्स देख सकते हो।